हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, IRCTC के ऊपर जब भी आप शताब्दी एक्सप्रेस का टिकट बुक करते होंगे या तेजस एक्सप्रेस का टिकट बुक करते होंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस का टिकट बुक करते होंगे, तो वहां पर आपके सामने आता होगा CC और EC। CC और EC में क्या फ़र्क होता है, क्या इनमें कुछ अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिएगा और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक नीड की कि बेसिक नीड क्या होती है इंसान की। बेसिक नीड यही होती है कि अगर वो शताब्दी से ट्रेवल कर रहा है तो उसको अच्छी से अच्छी सीट मिले, अच्छे से अच्छा खाना मिले और AC फर्स्ट क्लास काम कर रहा हो और वो टाइम से अपने स्टेशन पर पहुंच सके। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं CC और EC। CC का मतलब होता है चेयर कार, EC का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसमें बेसिक नीड तो आपको पूरी की पूरी मिल रही है, मतलब सीटें भी अच्छी मिल रही हैं, खाना भी अच्छा मिल रहा है और टाइम टू टाइम आप पहुँच भी रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी अंतर नहीं मिलता है बेसिक चीज़ों में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या अंतर मिलता है EC और CC में। अगर मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली का ट्रेवल कर रहे हैं CC क्लास में, यानी कि चेयर कार क्लास में शताब्दी एक्सप्रेस के, तो यहाँ पर आपको 1,095 रुपये पेड करना पड़ेगा चेयर कार क्लास का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं EC क्लास की, यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास की हम बात कर लेते हैं। अगर आप इसमें टिकट अपना बुक करते हैं तो 2,150 रुपये आपको देना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव चेयर कार का। अब यहाँ पर लगभग दो गुना हो जाता है किराया। अब किराया दो गुना हो जाने के बाद आपको क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की कि बैठने का क्या इंतज़ाम होता है चेयर कार में और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में। यहाँ पर अगर चेयर कार की बात करें तो इनका अरेंजमेंट सिस्टम जो होता है वो 3x2 वाला होता है, यानी कि 5 सीटें होंगी एक रो में। अब 5 सीटें होने की वजह से बीच में चलने के लिए गैप थोड़ा कम हो जाता है, पैर फैलाने के लिए थोड़ा गैप कम हो जाता है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं आप कि इसकी सीटें ख़राब होती हैं या अनकम्फर्ट होती हैं, सीटें अच्छी होती हैं, बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ा लेग रूम जो होगा वो कम इसमें होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार की। एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 2x2 वाला सिस्टम होता है, यानी कि एक रो में 4 सीटें होंगी। इस हिसाब से बीच में गैप ज़्यादा होगा, चलने के लिए जगह आपको ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पर लेग रूम काफ़ी अच्छा होगा, पैर फैलाकर आप आराम से बैठ सकते हैं, तो ज़्यादा कम्फर्ट जो होगा एग्जीक्यूटिव क्लास होगा। एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटें ज़्यादा कम्फर्ट होती हैं, हालाँकि इसका किराया भी दो गुना होता है। दोस्तों, अगर हम खाने की बात कर लें तो खाना ऑलमोस्ट सेम होता है। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि आपको चेयर कार में ख़राब खाना मिलेगा या एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अच्छा खाना मिलेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। दोस्तों, ठंडे खाने की अगर हम बात कर लें तो आपको ठंडी रोटियां तो एग्जीक्यूटिव क्लास में भी मिलेंगी और चेयर कार वाले क्लास में भी मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो पानी का सिस्टम हो गया, कॉफ़ी का सिस्टम हो गया या जो ब्रेकफास्ट आपको मिलता है वो लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है, तो आपको दो गुना किराया देने से कोई फायदा नहीं। अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो चेयर कार बेस्ट होता है ट्रेवल करने के लिए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस सीटों का जो अरेंजमेंट होता है उसी का ज़्यादा फर्क होता है। खाने पीने की चीज़ें ले लें या फिर और कोई अदर चीज़ें ले लें, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।